नमस्कार। जो पाचन तंत्र चल रहा है अपना टॉपिक, उसका अगला टॉपिक लेकर मैं पुनः हाजिर हूँ। आप मुझे पूरा यकीन है कि आपने पिछले एपिसोड या पिछले जो पार्ट्स हैं 1, 2, 3, 4 जो भी है आपने पूरे देखे होंगे। और उसके बाद हम ये एक नया चीज, अगला जो बच गया था, मतलब हमने जैसे उस टाइम लार के बारे में पूरा पढ़ लिया था, लार ग्रंथियों के बारे में, अब हम दांत और जीभ के बारे में पढ़ते हैं, मतलब ठीक है ना। तो जो अपने मुख गुहा में एक होता है, देखो तीन चीज थी, लार ग्रंथिया, ठीक है ना, लार ग्रंथिया, ये लार ग्रंथिया, दूसरी चीज थी मतलब अपनी जीभ, और तीसरी चीज थी अपनी दांत। तो अपने लार ग्रंथियों के बारे में पूरा पढ़ लिया था, अब हम जीभ और दांत के बारे में आज पढ़ते हैं। तो पहले तो जीभ पढ़ लेते हैं। चलो तो ये देखो, जीभ होती कैसी है, ऐसी होती है, आपकी भी ऐसी है, हम सबकी ऐसी है। और जीभ पिछले भाग पर जिस संरचना के द्वारा जुड़ी हुई रहती है अपने कंठ तालु या ग्रसनी से, ठीक है ना, उस संरचना को फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं, मतलब फ्रेनुलम लिंगुअल, जिस संरचना से जीभ मुख से जुड़ी रहती है अंदर, उसे फ्रेनुलम लिंगुअल कहते हैं या कहा जाता है, मतलब FRENULUM LINGUAL कहा जाता है, ठीक है ना। ये तो एक अलग से पार्ट हुई, ये चीज भी थोड़ी सी याद रखना, कभी पूछ ले कि जीभ कौन सी संरचना के द्वारा मुख से जुड़ी हुई रहती है, तो वो फ्रेनुलम लिंगुअल है, ठीक है ना। ये चीज है, ये अधो मतलब जीवा लिंग फ्रेनुलम के द्वारा। अब देखो कि जीभ का कार्य क्या है, मतलब तो जीभ कार्य क्या क्या करती है, तो वो कार्य आपको हम बताते हैं। पहले तो यहाँ पे देखो, मतलब जीभ कार्य क्या करती है, तो जीभ सबसे पहले तो ये जो मैं भी बोल रहा हूँ, आप भी बोल पा रहे हो, ये बोलने में सहायता करती है, मतलब ठीक है ना। बोलना जीभ का जो कार्य है वो क्या है, बोलना। मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा बोल रहा हूँ, स्वर यंत्र के माध्यम से उच्च दाब की वजह से और निम्न दाब की वजह से ये स्वर शब्दों में चेंज हो रहे हैं, मतलब ठीक है ना, स्वर यंत्र के माध्यम से। तो एक तो ये बोलने में मदद करती है। दूसरा चीज सबसे बड़ा 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 काम का है, वो है भाई स्वाद का ज्ञान कराना, मतलब स्वाद का ज्ञान। तभी आप कहते हो ना, आज चरका बन गया, आज फीका बन गया, आज मीठा हो गया, आज नमक कम है, आज ऐसा ज़्यादा है, आज वैसा कम है, आज खट्टा ज़्यादा है, आज मीठा ज़्यादा है, आज नमकीन ज़्यादा है, तो ये जो इस तरह का जो टेस्ट है, और आज तो यस कड़वा ज़्यादा है ना, तो ये जो टेस्ट जो भी आपको आते हैं, मतलब ठीक है ना, तो ये सब जीभ की मदद से आते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ ये ध्यान रखना, मतलब जीभ भोजन को निगलने में भी मदद करती है, मतलब भोजन को आप जो निगल रहे हो, भोजन को निगलने में, भोजन को अंदर लेने में भी ये सहायता करती है, मतलब तो भोजन को निगलना, तो इसमें भी जीभ मदद करती है। जीभ की सहायता से ही आप लोग भोजन को अंदर लेते हो। और एक फैक्ट देखो, आप याद रखना और अभी आप भी ट्राई करना, 80% लोग जीभ को नली के रूप में मोड़ लेते हैं। सब स्टार्ट हो गए होंगे, नली मतलब ये आपकी, अगर ये जीभ है ना, तो इसको आप जीभ को ये ऐसे मतलब क्या कहते हैं संरचना में ये बदल देते हो ऐसे मतलब करके, ठीक है ना, ये नली के रूप में बदल देते हो, गोल नली के रूप में। कोशिश करना, आप भी हो जाएगा मतलब, ठीक है ना। तो 80% लोग ऐसे भी कर लेते हैं, तो करते रहना तब तक, इधर देख लो मतलब, ठीक है ना, भोजन को निकलने में मदद करते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, मुख की सफाई में या मुँह की साफ सफाई में भी जीभ बड़ा रोल निकालती है ना, या निभाती है मुंह साफ सफाई में। तो आप जैसे जीभ फेरते रहते हो सब दिन दाड़ों वाड़ों में, दांत वांत में, तो ये भी इससे काम हो जाता है। और एक लास्ट काम है भाई, कि कुछ जंतुओं में ये ताप नियंत्रण में भी काम आता है, शरीर की बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने में भी जीभ काम में आती है। कि सर उसके एग्जाम्पल बताओ आप कैसे, मतलब तो कुत्ता कभी देखना गर्मियों के मौसम में अपनी जीभ को बाहर लटका के बैठता रहता है, और ये उसकी लार टपकती रहती है, उससे उसके शरीर का बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। तो ये मतलब एक तरह से मुख्य रूप से इसके ये पांच कार्य है, मतलब बोलना, स्वाद पता करना, भोजन को निगलना, मुख की सफाई करना, और कुछ जंतुओं में ताप का नियंत्रण करना, ये मुख के अब या फिर जीभ के मुख्य कार्य है। अब देखो सुनो एक चीज, कि भाई सर ये जीभ तो है, लेकिन जीभ पे देखो आप बहुत सारे डॉट पाए जाए, मतलब ऐसे आपके भी होंगे जिन्हें पैपिला कहते हैं या स्वादंकुर कहते हैं,
ये बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जिनके और ज़्यादा पाए जाते हैं उनको तो हर बात का स्वाद पता चल जाता होगा, ठीक है ना। कई तो बातों का रस भी पता कर लेते हैं स्वाद, और कई बातों के रसीले होते हैं, और कई तो खाने के रसीले होते हैं, चटकारे मतलब, ठीक है ना। तो ये जो स्वाद अंकुर होते हैं उसी की वजह से, और जिनके स्वाद अंकुर नहीं है उनको कुछ भी खिलाओ खाते ही रहते हैं मतलब। और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ भी डालो घर इसमें तो ये कमी है वो है, ठीक है ना। ये चीज़ देखो आप, तो वो स्वाद अंकुर की वजह से महसूस होता है। स्वाद अंकुर याद रखने की एक सबसे आसान सी ट्रिक है कि जीवन में हमेशा पहले पहले मीठा होना चाहिए और कड़वा सबसे लास्ट में होना चाहिए, नमकीन साइड में रखनी चाहिए और खट्टा कुछ भी हो तो उसको बीच में रखना चाहिए। ये ध्यान रखना मतलब है ना। तो जीवन में जब भी कुछ भी चीज़ होती है, आप मिठाई जब भी खाते हो तो सबसे पहले ओहो मिठाई में मतलब मुंह में पहले पहले मिठाई दी जाती है। आपके सामने सारे आइटम पड़े हैं, मिठे खट्टे नमकीन ऐसे कुछ भी, आप सबसे पहले मीठा उठाते हो और सबसे लास्ट में क्या उठाओगे, कड़वा। तो इसी से आप ये समझ जाओगे कि यहाँ पे जो भी ये जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, अग्रभाग में तो यहाँ पे आपको मीठा होता है, जीभ के अग्रभाग में जो टेस्ट होता है, जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। और लास्ट वाला तो बता ही रहा हूँ कि भाई लास्ट में, तो सबसे लास्ट में आप कैसे होते हो, कड़वे। कोई रिश्ता भी हो तो लास्ट में कड़वा हो जाता है, ठीक है ना। किसी के साथ जुड़े हो तब भी, ना जुड़े हो तो जुड़ के देख लेना एग्जाम के बाद। और मक्खी हमेशा बीच में बैठती है भाई, है ना। तो मक्खी मतलब बीच में बैठती है, ना यानी मध्य भाग, ख यानी खट्टा। तो ये कैसा टेस्ट देती है, मध्य भाग में खट्टा मतलब, ठीक है ना। और साइड, ठीक है ना, तो नमकीन अपन साइड में रखते हैं, कोई भी काम हो, कुछ और भी काम करते होंगे तो नमकीन साइड में पड़ी रहेगी, खाना खाओगे तब भी मतलब, ठीक है ना। तो ये अपने नमकीन पार्श्व भाग में, तो या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूँ, है ना, जैसे ऊपर वाली आपकी सीक्वेंस बनी रहे। पार्श्व भाग में क्या रहती है भाई, नमकीन टेस्ट, ये नमकीन। तो नमकीन वाला भाग पार्श्व में मतलब सॉल्टी, ठीक है ना, ये ऐसे मतलब खट्टा यानी SOUR सोर, और कड़वा यानी बिटर, और मीठा यानी स्वीट। तो ये तो एकदम आसान सी तरीका हो गया मतलब, ठीक है ना, कि जीभ में जो टेस्ट है वो याद कैसे रखा जाता है, कि सबसे पहले मीठा उठाओ, कड़वा सबसे लास्ट में उठाओ, मक्खी बीच में बैठती है और साइड में नमकीन चीज़ें पड़ी रहती है। तो इस तरह से आपका जीभ वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे देखो, ये अपना जीभ वाला पर्याप्त है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आएगा मतलब, ठीक है ना। ये मेरा दावा है मतलब, किसी भी एग्जाम में RSP तक का, SI तक का, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और रिट का तो क्या एकदम सामान्य सी चीज़ है। आप इतने भी पढ़ रहे होंगे तो क्या सर ये भी है क्या, ये भी है क्या, दसवीं वालों को ये है, ये ध्यान रखना, ये दसवीं में सारी चीज़ें दी हुई है बोर्ड की परीक्षाओं में, है ना, एग्जाम में। विज्ञान का टीचर होने के नाते मैंने पूरा करवाया है, तो ये इस हिसाब से आपको ये तो पढ़ना ही है कम से कम। ये मत सोचना कि सर ये तो ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो होता ही नहीं कभी, कम पढ़ाई में तो कम ही कम होता है मतलब, ठीक है ना। सोए रहते हो और ज़िंदगी भर सोना ही है इसके बाद। तब आपने स्क्रीनशॉट लेना हो थोड़ा बहुत तो ले लो, बाकी मैं इसको फिर आप क्या कहते हैं मतलब दूसरी चीज़ें करके बताता हूँ मतलब। अब देखो ये आपने कर लिया होगा, अब मैं आपको दांत का बताता हूँ, ठीक है ना, दांत वाली चीज़ें। तो दांत वाली क्या है, तो दांत वाली देखो मतलब, दांत वाला भी बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है मतलब, ठीक है ना। और देखो दांत वाली चीज़ें, और उसके अलावा जैसे मैंने आपको वहाँ बताया था, फिर बता देता हूँ कि ये जैसे जो है ना मतलब ये मुख है, तो मुख में ये ऊपर वाली अपनी नासाग्रसनी है, ये अपनी मुख वाली है, तो फिर ये क्या कहते हैं मतलब मुख रसनी है, और जहाँ पे ये दोनों जाकर मिलती है, ठीक है ना, ये और ये और ऐसे मतलब ये, ठीक है ना, तो ये ऐसे मतलब, तो यहाँ पर ये अपना वो फ्रेनुलम लिंगुअल होता है, इसको नेजोफेरिंक्स बोलते हैं, ध्यान रखना, नासाग्रसनी, नेजोफेरिंक्स, FHARYNX, ठीक है ना। इसको अपन ऑरोफेरिंक्स बोलते हैं, मुख रसनी, और जहाँ पे ये दोनों मिलती है उसे अपन लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, LARYNGO लैरिंगोफेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये एपिग्लोटिस होता है मतलब ढक्कन, ठीक है ना, और ये श्वास नली होती है, ठीक है ना भाई, ट्रैकिया मतलब श्वास नली, और ये एलिमेंट्री कैनाल जो ये आगे जाती है पाचन नली, जिसका हमने डायग्राम बना रखा आपके सामने, ठीक है ना। ये भी थोड़ा सा उधर से अगर ऐसा कभी कुछ हो या समझ में नहीं आए तो ये चीज़ ऐसे ध्यान रखना मतलब, ये इसमें ये भी पार्ट आकर मिलेगा मतलब, ठीक है ना, ये ऐसे भी ऐसे। अब देखो सुनो, दांत
दांत वाला पार्ट भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसा रहा? तो ये गजब बोलते हो कि सब इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग ही है। तो पढ़ाई तो इंटरेस्टिंग ही होती है भाई, ये बोर कब हुई है? इसको तो करने वाले बोर होते हैं हम लोग, ठीक है ना? पर पढ़ाई कभी बोरिंग नहीं होती है। तो अब देखो सुनो, मतलब दांत मनुष्य में ध्यान रखना दो प्रकार के आते हैं कि सर ये कौन कौन से हैं। मतलब तो ये एक तो ध्यान रखना गर्त दंती, गर्त यानी खड्डा, दंती यानी दांत, मतलब गड्ढे में दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना, मसूड़ा में। और एक होते हैं भाई द्विबार दंती। तो क्या सर द्विबार दंती कौन से होते हैं? तो द्विबार दंती बिल्कुल बताते हैं कि जो जीवन में दो बार आते हैं। तो कभी इंग्लिश में इनका सीधा ही डाइफायोडोंट आ जाता है, DIPHYO डाइफायोडोंट, और कभी इसका थिकोडोंट आ जाता है वर्ड इंग्लिश में, ठीक है ना? तो ये भी आपको ऐसे थोड़ा थोड़ा याद रखना, ताकि या मतलब साइंस के टर्म्स मोस्टली आपको इंग्लिश में याद रखनी है। गर्दंती यानी कि ये जैसे आपके मसूड़े पाए जाते हैं, और मसूड़ों में खड्डों में ये आपकी ऐसे जड़ के रूप में ये दांत रहते हैं, मतलब ठीक है ना, ये दांतों का फिर ये सिकर है मतलब। और सिकर वाला भाग हमेशा किससे बना होता है? सफ़ेद दिखता है आपको जो मतलब, और ये सफ़ेद वाला भाग जो बना हुआ होता है ये एनेमल या इनेमल का बना होता है। और इनेमल या एनेमल मानव शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, ध्यान रखना। मतलब मानव शरीर का अगर सबसे कठोरतम पदार्थ पूछ ले प्राकृतिक रूप से, तो वो कौन सा है भाई? इनेमल। तो ये एक नया पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, मतलब ठीक है ना। और गर्त में पाए जाते हैं, मसूड़ों में पाए जाते हैं, इसलिए इनको गर्त दंती कहते हैं। द्विबार दंती इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य में दांत जीवन में दो दफा आते हैं, या जीवन में दो बार आते हैं, मतलब जीवन में दो बार, एक तो बचपन में आते हैं भाई, जीवन में दो बार दांत आते हैं, और एक किशोरावस्था में आते हैं। तो जीवन में दो बार दांत आने की वजह से इनको क्या मतलब इनका ये प्रकार कौन सा हुआ? द्विबार दंती। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा देखो एक चीज़ और स्पेशली कि दांत के और प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये तो उपस्थिति के आधार पर है, संरचना के आधार पर, पाए जाने के लोकेशन के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो वो दांत होते हैं भाई चार प्रकार के। तो वो आपको हम यह बता देते हैं आपको चार प्रकार के, है ना, ये दांत होते हैं चार प्रकार के। तो पहले पहले आपको ध्यान रखना कृतनख, कृतनख है ना, ये कृतनख। तो इसको इंग्लिश में याद रखना थोड़ा सा, इंसाइजर, इंसाइजर्स, ठीक है ना। दूसरे होते हैं रद्नक, ये कृतनख, उसके बाद रद्नक, इनको कैनाइन कहते हैं भाई, ध्यान रखना कैनाइंस। और तीसरे होते हैं भाई अगच्छवर्णक, अगच्छवर्णक, ठीक है ना, इनको प्रीमोलर बोलते हैं भाई, प्रीमोलर, MOLAR, प्रीमोलर्स। और लास्ट में होते हैं भाई चवर्णक, ठीक है ना, चवर्णक यानी मोलर। तो ये MOLARS। ये चार प्रकार के दांत अपने संरचना के आधार पर मनुष्य में पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना आगे आगे पाए जाते हैं, सबसे आगे, मतलब ये जैसे आपका मुंह है ना, तो ये भी ये मुंह है, तो ये जो भी आगे वाले दांत है जो ऊपर नीचे, तो ये अग्रदंती, मतलब ये आगे वाले दांत होते हैं अग्रभाग में। और ये ध्यान रखना भोजन को स्पेशली काटने में, कुतरने में ये काम आते हैं, मतलब कुतरने में और भोजन को काटने में। इसीलिए एक चीज़ इनके बारे में ध्यान रखना कि ये चूहों में और जो अपने छोटे शिशु होते हैं उनमें सबसे पहले आते हैं। तो छोटे बच्चों के जो दो दांत आते हैं ना मासूम से, वो सबसे पहले इंसाइजर ही होते हैं, मतलब ये चीज़ ध्यान रखना। क्या कहते हैं, मतलब कि कुतरने में और काटने में काम आते हैं अग्रभाग में, ये जो सबसे आगे ऊपर नीचे है ना वो वाला दो दो दांत, ये ऐसे मतलब चार कुल। तो ये चीज़ होती है मतलब, ठीक है ना, 6 से 8 महीने की उम्र में या 9 महीने की उम्र में आ जाते हैं। फिर होते हैं मतलब रत्नक, तो ये ध्यान रखना मतलब चीरने फाड़ने के काम आते हैं। तो अब चीरना फाड़ने वाले जो मतलब चीरना फाड़ने का कार्य इन दांतों के माध्यम से ज़्यादा किए जाते हैं, और ये दोनों साइड में ऊपर नीचे एक एक होते हैं, ठीक है ना, और मांसाहारी जंतुओं में ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मांसाहारियों में ज़्यादा विकसित होते हैं, जैसे शेर है, कुत्ता है ना, तो उनमें ये जैसे शेर वेर है तो इसमें ये ज़्यादा विकसित होते हैं। तो ये भी बता दिया, क्योंकि ये भोजन को चीरने फाड़ने में काम आते हैं, ये भोजन को चबाने में काम आते हैं, मतलब ठीक है ना। तो ये तीन तीन ऊपर नीचे होते हैं, तो 6 होते हैं। फिर 21 23, दो दो मतलब ऊपर ऊपर भी दो और नीचे भी दो, तो 4 होते हैं। और ये चबाने में सहायक कार्य करते हैं, दाढ़े मतलब, ठीक है ना, चबाने में सहायक। और कुल ये ऊपर 6 होती है, 3 भी ऊपर और 3 भी नीचे। अब कभी आपसे पूछ लिया जाए कि दंत सूत्र क्या होता है सर, या दंत सूत्र बताओ, मानव दंत सूत्र मतलब, ठीक है ना, तो ये 21 23 होता है, 21 23, ठीक है ना, 21 23 × 2 = 32। क्या सर ये तो जोरदार कैलकुलेशन है?
तो देखो दो एक तीन, तीन दो पाँच, और पाँच एन तीन आठ, तो 8/8 इंटू दो, तो 8 × 8 16, 16 × 2 बराबर 32। तो इस तरह से हम लोगों ने दांतों के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया है। अब एक चीज और, जब थोड़ा सा टॉपिक बचा है उसको भी साथ में लेते हुए चलते हैं कि ग्रसनी वाला जो ये मैंने डायग्राम बनाया है, तो जैसे है ना, इसके माध्यम से तो श्वास आता है, इसके माध्यम से भोजन आता है, दोनों आकर या अपने क्या कहते हैं अधोग्रसनी में या लैरिंगोफेरिंक्स में या हाइपोफेरिंक्स में आकर मिलते हैं, यहाँ पर ये क्या कहते हैं अपना ढक्कन होता है, मतलब ये इधर से मिलता है भाई, ठीक है ना। देखो ये ऐसे ये अपना दोनों आकर मिलते हैं, ठीक है, और बीच में ये ढक्कन होता है, तो इसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है ना। इसके आगे श्वास नली होती है और पीछे की ओर पाचन नली होती है। जब हम श्वास कर रहे होते हैं तो ये एपिग्लॉटिस क्या कहते हैं मतलब भोजन पे टिका हुआ रहता है ताकि भोजन के दाने इस श्वास नली में ना जाएं, और जब हम क्या कहते हैं भोजन कर रहे होते हैं तब ये श्वास नली पे होता है ताकि भोजन श्वास नली में ना जाए। तो इस तरह से ये क्रिया होती है। इसके बाद ये भोजन ग्रसनी है, ग्रसनी के में और कोई पाचन नहीं होता है और ये भोजन सीधा ग्रसिका में आता है। ग्रसिका में एक चीज याद रखना आपको कि भोजन का कोई पाचन नहीं होता है। तो कभी कभी सवाल आता है कि ऐसा कौन सा अंग है जिसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, तो बड़ा काम का चीज है भाई, कौन से पाचन का नहीं होता है, कोई पाचन नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता, तो वो कौन सी है ग्रसिका का। तो फिर क्या होता है सर भैया, तो यहाँ कर्माकुंचन गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा, कर्माकुंचन गति के द्वारा भोजन अमाशय तक आता है, पेरिस्टेलिस गति के द्वारा भोजन अमाशय तक आता है, और इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को लसलसा बनाती है, ध्यान रखना, सॉरी चिकना बनाती है, मतलब ऐसे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस तरह से। ये अब हम आगे पढ़ेंगे, तब अगले लेसन में आमाशय से आपको भोजन की अन्य क्रियाओं का अध्ययन कराया जाएगा। तो इतना सा वीडियो सुनने के लिए, देखने के लिए, शेयर साझा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वरना नहीं किया हो तो अभी कीजिए।